भारत सरकार द्वारा जो बनाए गए नए कानून के तहत ड्राइवर्स के ऊपर जो ड्राइविंग जो नेग्लिजेंस ड्राइविंग रश ड्राइविंग के ऊपर बनाया गया कानून था उसमें कठोर जरूर दंड था, प्रावधान था, पनिशमेंट भी ज्यादा था, फाइन भी ज्यादा था, लेकिन भारत सरकार का ये संकल्प था कि हम अपने देश को जो दुनिया में रोड एक्सीडेंट में बढ़ता चला जा रहा रेशियो वो सबसे कम हो, कम से कम हो और ये दिखे कि कम हुआ है, तो इसके लिए शायद ऐसा था पनिशमेंट। लेकिन अब भारत सरकार ने उस पर पुनर्विचार करने के हिसाब से सोचा है कि नए कानून आएंगे, नई बात आएगी तो उसमें देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ड्राइवर्स की आर्थिक स्थिति है या जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं या जो ड्राइविंग करते हैं, जो ड्राइवर इस तरह के हैं तो उनके ऊपर कई केस की बात हो या भाग जाने वाली बात, तो ठीक है। देखिए, रोड एक्सीडेंट में भागने का कोई मतलब नहीं होता है। आप पे हुआ एक्सीडेंट, आप उसका इलाज कराएं, पहुंचाएं, फर्स्ट एड दिलाएं, जो भी है उसका पूरा तरह से बताएं, तो ये आवश्यक हो जाता है। और इसी आधार पर भारत सरकार की संकल्पना यही थी कि देश जो हमारा रोड एक्सीडेंट की संख्या कम हो, लोग सुरक्षित रहें, जो आज ड्राइविंग कर रहा है कल वो भी तो रोड पर चल रहा होगा, कल उसका परिवार का भी तो कोई ना कोई रोड पर चल रहा होगा, वो भी तो जा रहा होगा। इसीलिए कठोर कानून और दंडात्मक प्रक्रिया को कठोर किया गया था, लेकिन विरोध हुआ, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, राजनीति हुई, सब कुछ हुआ, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन संसार का नियम है और बदलाव होगा और बदलाव आएगा। जब बदलाव आएगा तो निश्चित और सुधार होगा। भारत सरकार देश की जनता के लिए काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की भावना लेकर चल रही है। उसमें ड्राइवर्स भी अछूते नहीं रहेंगे कि उनके साथ कोई अन्याय हो, कोई अनजस्टिस हो, वो भी हमारे देश के हैं, हमारे देश सभी लोग ड्राइवर हैं, कोई ड्राइवर प्रोफेशनल की बात नहीं है। जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जो ड्राइविंग कर रहा है वो ड्राइवर है, वो चालक है, तो उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन सभी उसी समाज का हिस्सा भी हैं, उसी समाज का अंग भी हैं और उसी समाज के दायरे में रहते हैं और उसी आधार पर सब चलते हैं जिस आधार पर ये ऐसा कुछ हो रहा है। और इसमें परिवर्तन आएगा तो और सुधार आएगा, लोग अपने बातें दें, सुझाव दें, क्या सुझाव चाहते हैं। लेकिन देखना यह भी है कि हमारा देश रोड एक्सीडेंट में जो बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया में नंबर वन की तरफ बढ़ रहा है, उस पर रुकावट हो, रोड एक्सीडेंट कम हो, लोगों की जान माल का नुकसान कम हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति की किसी की मौत होती है, एक्सीडेंट होता है, तो कई रिश्तों को प्रभावित करता है, कई रिश्ते उससे प्रभावित होते हैं, उन सब रिश्तों के चोटों पर मरहम लगे, उन सबको राहत है। इसीलिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, रोड के कानून की बात हो, अच्छी रोडें, अच्छे यातायात, अच्छे सब मिले उनके लिए होना चाहिए।